दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं YPL की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि YPL के फैन है तो इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। कल के मुकाबले की पूरी मैच समरी, कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड्स बने, विराट कोहली को कप्तानी से हटाया जाएगा, हार्दिक पांड्या अब नहीं खेल पाएंगे IPL, कोरोना से फिर क्या होगा IPL बंद, अपडेटेड पॉइंट टेबल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस तेज और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको IPL से जुड़े हुए बताने वाले हैं। IPL शुरू हो चुका है और अपने इस वीडियो के जरिए आपको हम IPL की दुनिया की हर एक जानकारी बताते हैं और हर एक हलचल को कवर करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे IPL अपडेट सीरीज का 279वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कल के हुए मुकाबले को लेकर। कल बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 7 विकेट से मुंबई इंडियंस को हराया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए 6 विकेट खोकर, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान क्विंटन डिकॉक का रहा। रोहित शर्मा ने 33 रन बनाए और बाकी के खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। उसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मात्र 15 ओवर में इस लक्ष्य को पा लिया, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंद पर 53 रन की तूफानी पारी खेली, वहीं राहुल त्रिपाठी ने 42 गेंद पर 74 रन की बेहद ही धुआंधार पारी खेली और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कल मैन ऑफ द मैच बने सुनील नारायण, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और सबसे बड़ा रोहित शर्मा का विकेट लिया। आपको क्या लगता है कल के मुकाबले में किसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कल कोलकाता के साथ मैं भी जीता हूं MPL पर अपनी फैंटेसी टीम के द्वारा। मैंने अपनी 18वीं टीम में राहुल त्रिपाठी को कप्तान बनाया था और उस टीम से मुझे 3000 रुपए का फायदा भी हुआ। MPL पर ही मैं इतने सारे टीम बना पाया और मैंने तो 33 बनाए थे, पर आप 99 टीम तक बना सकते हो। जितना ज्यादा टीम बनाओगे उतना ज्यादा जीतने के चांस रहेंगे। काफी आसान है MPL पर टीम बनाना और यह रहने वाली है आज की मेरी 15वीं टीम, और मैच शुरू होने से पहले मैं 12 टीम और बना लूंगा। और अभी तक आपने MPL डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं। चलिए देख लेते हैं दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है विराट कोहली की तरफ से। आपको तो पता ही है कि विराट कोहली ने अपना बेंगलुरु का कप्तानी छोड़ने का निर्णय कुछ दिन पहले ही ले लिया, लेकिन खबर आ रही है कि बेंगलुरु की टीम उन्हें खुद कप्तानी छोड़ने से पहले ही कप्तानी से हटा देंगे। इस खिलाड़ी ने बेंगलुरु की टीम से अपने लिए तो कई रिकॉर्ड्स बनाए लेकिन अपनी टीम को कभी कर ट्रॉफी नहीं दिला पाए, और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनका खराब प्रदर्शन था, तो ऐसे में काफी ज्यादा चांस बनता है यदि आज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ के मुकाबले में बेंगलुरु की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बेंगलुरु की टीम की कप्तानी किसी और को सौंप दी जाएगी। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है BCCI की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे BCCI ने सभी फ्रेंचाइजियों को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सभी फ्रेंचाइजियों से यह रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुने गए हैं उनको ज्यादा वर्कलोड नहीं देना है, यानी कि कोशिश करना है कि उन्हें उन्हीं मुकाबलों में खिलाया जाए जहां उनकी जरूरत है। यदि टीमों को ऐसा लगेगा कि वह उन खिलाड़ियों के बिना भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो फिर उन्हें रेस्ट करवाया जाए। T20 वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है और ऐसे में BCCI नहीं चाहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे वह चोटिल हो या तो फिर वर्कलोड की वजह से परेशान हो। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या की तरफ से। कल भी हार्दिक पांड्या अपना मुंबई इंडियंस की तरफ से मुकाबला नहीं खेल पाए और बहुत ज्यादा चांस है कि वह बेंगलोर के साथ साथ और भी मुकाबले मिस करेंगे। उनकी नामौजूदगी की वजह से मुंबई इंडियंस को नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि कल का मुकाबला वह हार गए और अब पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर जा चुके हैं। मुंबई इंडियंस के हेड कोच की मानी जाए तो वह अभी रिकवर कर रहे हैं और यह एक सरदर्द सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए नहीं बल्कि BCCI के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बन चुका है क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है IPL के बाद। वैसे हार्दिक पांड्या पर आगे जो भी अपडेट्स आएगी वह तो आपको हम देंगे ही, और ऐसे ही अपडेट्स जो हम वीडियो बनाकर नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवां अपडेट। दोस्तों हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि IPL स्लो ओवर रेट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से यह नियम बना है कि जो भी टीम के कप्तान स्लो ओवर रेट डालेंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन को 12 लाख रुपए भरना पड़ा था और वहीं अब कल के मुकाबले में इयॉन मॉर्गन को 24 लाख रुपए भरना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मैच में जो भारत में हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, उसमें भी इयॉन मॉर्गन ने स्लो ओवर रेट डाला था और नियम
यह है कि पहली बार में 12 लाख, दूसरी बार में 24 लाख, तीसरी बार में 36 लाख और फिर एक मैच से बैन। अगली बार यदि इयान मॉर्गन यह गलती करेंगे तो फिर उन्हें 36 लाख का जुर्माना और एक मैच से बैन कर दिया जाएगा। और सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों को भी अपने मैच फीस का 6% भरना पड़ता है। और आपको नहीं पता है स्लो ओवर रेट क्या होता है तो हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या तो फिर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, कल के मुकाबले में जो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ उसमें बड़े रिकॉर्ड्स बने। सबसे पहले तो आपको बता दें, रोहित शर्मा पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जो किसी एक पर्टिकुलर आईपीएल टीम के खिलाफ 1000 रन से ज्यादा बना चुके हैं। कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 1015 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने अपना कल 50वां आईपीएल मैच खेला कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। सुनील नारायण का कल 32वां बार ऐसा था जहां पर उन्होंने 20 रन से कम दिए हों आईपीएल के मैच में। और सुनील नारायण ने रोहित शर्मा को 7 बार आईपीएल में आउट किया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है। कल वेंकटेश अय्यर ने अपना पहला अर्धशतक लगाया। राहुल त्रिपाठी अपना 7वां अर्धशतक लगाए। कृणाल पांड्या ने पिछले 4 मैचों में एक भी विकेट नहीं लिया है। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच लिए हैं विकेट कीपर के रूप में, 115 कैच। वैसे दोस्तों, आप भी अपनी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं एमपीएल के जरिए और हर दिन एमपीएल पर करोड़पति बन सकते हैं, जहां पर आपके पास मौका है हर दिन 10 करोड़ रुपए जीतने का। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी कि इसमें आपको 99 रुपए का सीजन पास मिलता है और इस पास को लेने के बाद आप किसी भी करोड़ों के कॉन्टेस्ट में डिस्काउंटेड प्राइस में खेल सकते हैं और लाखों ग्रैंड कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिलेगी आपको। मैंने तो कब के लिए ली है और मैं खेल भी रहा हूं। यदि आपने नहीं लिया है तो अभी ले लें। एमपीएल का डाउनलोड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद को एक और तगड़ा झटका लगा है जहां पर जॉनी बेयरस्टो की जगह पर खेलने के लिए आए हुए सर फिन रदरफोर्ड अपने घर वापस चले गए हैं क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। और वह वापस इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि अब सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की कोई उम्मीद है नहीं, तो अगली बार आपको यह खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए दिखेगा। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। आज का मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। आपको बताना चाहेंगे, आज चेन्नई सुपर किंग्स उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं जिसके साथ मुंबई इंडियंस की तरफ से वह उतरे थे। हालांकि सैम करन ने अपना क्वारंटाइन खत्म कर लिया है, वह सिलेक्शन के लिए मौजूद भी है, लेकिन खबर तो ऐसी है कि सैम करन के बिना ही चेन्नई की टीम उतरेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि विराट कोहली की टीम में आज सचिन बेबी की जगह पर किसी तेज गेंदबाज को मौका मिल सकता है क्योंकि पिछले मुकाबले में किसी तरह का सचिन बेबी ने अपना छाप नहीं छोड़ा था, तो उनकी जगह पर नवदीप सैनी को इंक्लूड किया जा सकता है। हालांकि ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि शारजाह का स्टेडियम छोटा होता है, शहबाज अहमद को भी मौका दिया जा सकता है। और यदि बल्लेबाज को चुनना होगा तो बेंगलुरु की टीम की तरफ से मोहम्मद अजरुद्दीन और रजत पटिडर भी हैं। तो यह कुछ बदलाव है जो दोनों टीम कर सकते हैं आज की मैच में। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, बीसीसीआई ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि भले ही सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं, लेकिन आईपीएल अपने निर्धारित समय के हिसाब से ही चलेगा, उसी शेड्यूल से चलेगा, उसे रद्द और पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद के जो हेड कोच हैं ट्रेवर बेलिस, उन्होंने कहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में कोरोना वायरस से कोई असर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा क्योंकि यदि टी नटराजन पॉजिटिव पाए गए हैं तो पहले से ही टीम बैकअप लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, कल क्विंटन डिकॉक ने एक ऐसा शॉट मारा था जिसमें रोहित शर्मा बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल हो सकते थे, लेकिन वह बच गए, तो इसकी वीडियो हम यहां तो नहीं डाल सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आज के दिन ही भारतीय टीम ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, इसकी भी वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 10वां आखिरी अपडेट। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऐतिहासिक तरीके से मुंबई इंडियंस को हराया है, पॉइंट टेबल में भूकंप सला दिया, जहां पर आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं और मुंबई इंडियंस की टीम टॉप 4 से बाहर हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस की टीम अभी 6थे नंबर पर है पॉइंट टेबल में और सभी टीम की स्थिति आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसकी फोटो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, यह थे आईपीएल के आज के बड़े अपडेट्स। ऐसे वीडियोस आपके लिए हर दिन लाते हैं। इसके साथ ही एमपीएल ऐप का डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और आज के मुकाबले में अपनी फैंटेसी टीम बनाकर खेलें। तो हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।